हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सत्र में फिर से। और हम ईशो निषद पे बात कर रहे हैं आज। हम लास्ट आई थिंक हमने नाइन्थ का कर लिया था, तो नाइन्थ से हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। तो लेट अस स्टार्ट विद प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस, सो आई विल शेयर विथ यू द स्क्रीन। सो यस, वी हैव टू स्टार्ट विथ नाइन्थ। सो वी हैड फिनिश्ड टिल एट्थ, ठीक है। तो अब हम यहां से शुरू करते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते, ततो भूया इवाते तमो याओ विद्यायाम रता। ठीक है। Those who engage in the culture of nations activity shall enter into the darkest region of ignorance. Worse still are those engaged in the culture of so-called knowledge. अंधा तमा प्रविशंति ये विद्या उपासते। अविद्या की जो उपासना करते हैं, दैट मीन्स अविद्या क्या होता है? अविद्या यहाँ पे नेशन एक्टिविटीज को लेके शिला प्रभुपाद ट्रांसलेट कर रहे हैं। बेसिकली अविद्या मीन्स एनीथिंग which is pertaining to material knowledge, anything material knowledge that if somebody is engaging himself into study of this nature for material gains, for material benefits, for material advancements, they will enter into the darkest region of ignorance. That means the consciousness. Here we are not talking about right now the, just the soul, the consciousness will enter into the darkest region of ignorance. ठीक है। Why? Because they will not be enlightened by about the reality. ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि the person nowadays उसे लगता है कि अगर वो भौतिक प्रगति करेगा तो वो आराम से अपना जीवन जी सकता है, और वो प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने भी देख रहा है कि जो पढ़ लिख करके नौकरी कर रहे हैं और जो बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, वो बड़े ही आराम से अपना जीवन गुजार रहे हैं, लग्जरी में अपना जीवन गुजार रहे हैं, और ये अपने सामने प्रत्यक्ष भी देख पा रहे हैं। तो ये ह्यूमन नेचर है कि प्रत्यक्ष ये प्रेय को देखना, ये हमारा नेचुरल टेंडेंसी है। प्रेय मतलब जो अभी अच्छा लग रहा है लेकिन बाद में जाके वो पॉइजन बन जाएगा। सो हमारी शॉर्ट साइटेडनेस कह लीजिए, है ना, सभी को यहाँ पे शॉर्ट साइटेडनेस की प्रॉब्लम हो रखी है। तो हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस देखते हैं, देखते हैं यार अभी तो इसको बहुत बेनिफिट मिल रहा है, कल उसको प्रॉब्लम होगा, उसका कल किसने देखा है भाई, अभी तो एंजॉय करो ऐसे। सो एवरीबडी इज गोइंग इनटू दिस यू नो कल्चर ऑफ अटेनिंग मटीरियल नॉलेज एंड जस्ट यू नो कंप्लीटली एंग्रॉसिंग देमसेल्व्स इनटू दैट। नो टाइम फॉर स्पिरिचुअल एजुकेशन एट ऑल, no time for spiritual education, zero. And because of this, here it is stated by Srila Ved Vyas ji that such persons will enter into the darkest region of ignorance. Why? Because by this, by cultivating the nascent activities, okay, what is this material advancement all about? Just tell me this. Okay? It does makes our life very, very comfortable, but it does not make it easier. This is an illusion. People think by material advance our life will become easier. It doesn't become easier. Come out of this illusion and सबसे पहले easier नहीं हो रही है हमारी life. Life तो complicated होती जा रही है। जितने ज्यादा material advancement उतनी complicated life. ठीक है, easy नहीं हो रही। हाँ, ये कह सकते हैं हम एक समय में जितना काम करते थे उससे ज्यादा काम कर पा रहे। ठीक है, in terms of हाँ obviously you know manually आप पहले फाइलिंग करते थे मैनुअली, अब कंप्यूटर्स आ गए उसमें फाइलिंग करते हैं, खड़ा यू नो चीजें होती है, बहुत ज्यादा अरेंज्ड हो गए हम लोग, बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक हो चुके हैं, शेड्यूल्ड हो चुके हैं, वो सब मैं मानता हूँ। ठीक है, बट आदमी को आराम नहीं आ रहा है। आदमी को लगा कि कंप्यूटर बनाएंगे तो कंप्यूटर काम करेगा, हम आराम करेंगे, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, आदमी फिर भी लगा हुआ है गधों की तरह, उस कंप्यूटर पर लगा हुआ है। ठीक है, सो मटेरियल एडवांसमेंट का एक होप रहता है कि जैसे एक गधा नहीं होता है उसके सामने, तो गधा चलता नहीं है तो उसके तो जो गधे के ऊपर बैठता है जो धोबी है वो क्या करता है, ऐसा लकड़ी पे एक गाजर लटका देता है,
उसके सामने रख देता है सबको, उसको दिखता है कि अरे पास में गाजर है, थोड़ा सा चलूंगा तो गाजर खा लूंगा तो बड़ा आनंद आएगा। तो चलता रहता है चलता रहता है, गाजर भी दूर जाता रहता है और घोड़ा वो गधा भी चलता रहता है। ठीक है, तो यही हाल हमारा है, हमको लगता है कि अरे बस थोड़ा मटेरियल एडवांसमेंट कर लेंगे फिर आराम ही आराम है, फिर आराम करेंगे, कोई आराम नहीं है। ठीक है, तो आराम का तो इल्यूजन ही है बस, कोई आराम तो नहीं है। ठीक है, आदमी पहले सोचता था यार यू नो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रेवल्स आ जाएंगे तो क्या होगा, हो इससे ये होगा कि आप कहीं भी जॉब करने जा सकते हैं, घंटे भर में आप यहाँ से वहाँ, एक शहर से दूसरे शहर, इधर से उधर इधर से, लोगों को लगा अरे आने जाने में बड़ी कठिनाई नहीं होगी, अभी तो कहीं से कहीं जाने में पूरा दिन लग जाता है, ट्रेन में बैठो छुक 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 करके चलती है आराम से, धीरे धीरे वहां तक पहुंचाती है, तो प्लेन लेके आएंगे ना भाई, प्लेन से ऐसा उड़ेगा आदमी उधर लैंड करेगा, तो बस आराम ही आराम है ना, तो दैट इज एन इल्यूजन, आराम नहीं है वो, वहां पर उतर के काम करके फिर वापस आता है। ठीक है, तो काम बढ़ रहा है आदमी का और काम में ट्रैवलिंग बढ़ रहा है, पहले के लोग इतना कहाँ ट्रैवल करते थे। ठीक है, लेकिन आप देखो ना कितना ट्रैवल होता है, हर दिन कितना ट्रैवल होता है लोगों का। ठीक है, गाड़ी आ गई है तो दूर दूर जॉब करने जाते हैं लोग। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है किसी की, यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रही है, जीवन आसान नहीं हो रहा है, जीवन कठिनाई से भरते जा रहा है, कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है हर, और अभी रेट ऑफ जो एडवांसमेंट है इट्स इंक्रीजिंग। पहले तो ये था कि कोई एक मटेरियल एडवांसमेंट होता था, कोई साइंटिफिक एडवांसमेंट होता था तो कुछ टाइम रहता भी था, ऑलमोस्ट लाइक 5 ईयर्स 10 ईयर्स तक एक तरह का एक तरह का मटेरियल एडवांसमेंट चलता था, फिर उसको रिप्लेस करने के लिए नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आ जाती थी, एक टेक्नोलॉजी चलती थी पहले। आजकल तो मैं देखता हूँ हर 2 साल में ऐसा चेंज हो जाता है, 2 साल पहले ऐसा था, 2 साल में पूरा चेंज, पूरी टेक्नोलॉजी चेंज। ठीक है, 4G आया, 4G का 5G, उसके बाद 6G भी प्लान कर रहे हैं लोग, तो वो तो आता ही रहेगा, और इससे आदमी को लग रहा है कि मेरा जॉब, मेरा जॉब आसान हो जाएगा, जॉब आसान नहीं हो रहा है, वो कठिन ही हो रहा है। ठीक है, कुछ सहूलियतें हैं वो मानते हैं, बट मोर और लेस हमारी जो लाइफ है वो कंफर्टेबल नहीं हो रही है ना, काम तो अभी भी उतना ही है जितना आज, उल्टा ज्यादा करना पड़ रहा है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, एंड यू ऑल विल अग्री विद मी आई नो, ऐसा अगर मैं कहूँ कि भाई आप घर से काम करो तो कितना अच्छा लगता है ना सुनने में, कि घर से काम करो तो आराम से काम करूंगा है ना, आराम से अपने लग्जरी में काम करूंगा लेकिन ऐसा नहीं है, जो लोग भी ने घर से काम किया है इन दिनों पैंडेमिक की वजह से, हम सबको पता है घर में काम करने के प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। ठीक है, सो ऐसा लगता है कि काम घर से करेंगे आराम रहेगा, लेकिन आराम नहीं रहता है, उधर भी उल्टा ज्यादा काम करवाया जाता है, ऑफिस में तो चलो 8 घंटे या 10 घंटे जो भी अपना शिफ्ट मार के घर पे आ गए करेक्ट, एंड उसके बाद ऑफिस का काम ऑफिस में, घर का काम घर पे, अपने घर के काम करेंगे, बट ऑफिस जब घर में आ जाता है तो क्या होता है, घर में 24 घंटे काम चल रहा है, ऐसा 4 घंटे काम किया, 2 घंटे रिलैक्स किया थोड़ा, फिर से काम कर रहे हैं, फिर से रिलैक्स, फिर से काम कर रहे हैं, फिर से यही चल रहा है, पूरे टाइम काम ही काम चल रहा है। सो इन टोटो इफ यू थिंक यू हैव एक्चुअली वर्क फॉर 15 आवर्स 17 आवर्स विदाउट इवन कंप्लेनिंग, बिकॉज दैट वो रजिस्टर ही नहीं होता ब्रेन। ठीक है, सो बेसिकली आदमी को लगा था घर पे रहेंगे तो आनंद ही आनंद रहेगा, देखो कैसे हो गया। सो इसलिए ये इल्यूजन है कि आराम करेंगे, इज एन इल्यूजन, कोई आराम नहीं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, जितना हम मटेरियल एडवांसमेंट करते हैं उससे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है। ठीक है, हाँ सहूलियतें भी बढ़ती हैं, ऐसी बात नहीं, जैसे अभी आज के टाइम पे गूगल ये लोकेशन है इन सबसे कितनी सहूलियत बढ़ रही है, करेक्ट आप देख सकते हैं ना कितनी सहूलियत बढ़ रही है, हम कहीं से भी कहीं जा सकते हैं गूगल मैप लगा के, कितना आसान हो गया है। ठीक है, बट आराम नहीं मिल रहा आदमी, वो जाएगा वो घूमेगा फिरेगा। ठीक है, चीजें आसान हो रही हैं, इजी हो रही हैं, बट जीवन आसान नहीं हो रहा है, काम करना आसान हो रहा है बट जीवन आसान नहीं हो रहा है, जीवन कठिन बनता जा रहा है, कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है। तो इसीलिए इन सब चीजों से एक चीज होती है समझने में कि भाई जीवन को कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं हम। ठीक है, वो तो एक पार्ट है उसका, दूसरा ये है कि समय भी नहीं मिल रहा, पहले आदमी ऐसा सोचता था, कई बार लोग बोलते भी हैं कि प्रभु जी अगर ये रहेगा ना इससे थोड़ा आसानी हो जाएगी, मैं थोड़ा समय निकाल पाऊंगा, जनरली आदमी समय निकालना चाहता है अपने इंजॉयमेंट के लिए, बट अगर मान लीजिए कोई स्पिरिचुअल आदमी हो, स्पिरिचुअलिटी के लिए समय निकालना चाहता है करेक्ट, तो किसी टेक्नोलॉजी को कहीं पे फिट कर देने से उसका काम अगर जल्दी खत्म हो जाए तो वो सोचता है कि चलो इससे, लेकिन जो काम घरवाने वाला है आपका जो बॉस है ऑफिस में, वो आपको छोड़ेगा थोड़ा ना कि भाई अब तुमने काम कर दिया चलो वेरी गुड, नहीं उसके बाद और काम लोड दिया जाएगा आपके ऊपर। ठीक है, अगर गधे को लगता है कि 4 चक्कर मार दूंगा मैं फटाफट फटाफट, 4 घंटे में फ्री हो जाऊंगा धोबी के उससे,
वो बात नहीं, धोबी उसके अपने घाट का बोझा उठाने के बाद उसके घर के काम भी करवाएगा, तो तेल तो उसका 8 घंटे का निकलना ही निकलना है, चाहे जल्दी करो चाहे धीरे करो, ठीक है। तो वो बात नहीं, तो जल्दी कुछ नहीं हो रहा है, समय कुछ नहीं निकाल पा रहा है आदमी। और इसी तरह से यदि वो वर्क करता रहा तो क्या होगा, देयर इज इग्नोरेंस, नो टाइम फॉर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, ठीक है। और फिर क्या है, ये कर्मा के अनुसार, देखो कर्मा ना एक वर्लपूल की तरह है, कर्मा एक तरह से वर्लपूल की तरह, वर्लपूल में आपने देखा क्या होता है, ऐसे 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 बोलते हैं बंदे से नीचे जाता है, कोई भी वर्लपूल में फंस गया तो नीचे की तरफ सब करता है, पानी में आप वर्लपूल देखेंगे ऊपर जो भी तैर रहा है उसको नीचे की तरफ सब करता है, उसी तरह से इन 14 प्लैनेटरी सिस्टम में ये कर्मा जो है वर्लपूल की तरह है, जो आपको ऊपर से नीचे की तरफ सब करने की कोशिश कर रहा है, देयर इज अ ग्रेट टेंडेंसी कि हम नीचे की तरफ गिर जाएं, ठीक है। सो इट्स नो वंडर कि एक आदमी धीरे 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 विल लैंड अप इन द नीदर रीजन्स ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है, ऑफ दिस यूनिवर्स, अगर वो इसी तरह से अपनी परस्यूट में लगा रहा था। पर ये क्या बोल रहे हैं, ततो ततो भूया इवा तमो या वो विद्यायाम रता, कोई विद्यायाम रता है वो जो पर्सन है वो तो और भी ज्यादा अंधेरे कुएं में गिरेगा, ऐसा वो बोल रहा है, और भी ज्यादा डार्कनेस में जाएगा। तो ये कौन सी नॉलेज की बात हो गई भाई, नॉलेज जो गेन नहीं कर रहा है, अविद्या जो प्रैक्टिस कर रहा है वो तो जाएगा ही, और जो विद्या गेन करने की कोशिश कर रहा है वो भी गड्ढे में गिरेगा, ऐसा कैसे है ना, ये तो लगता है ना कि कितना अजीब है। तो ये वेदवादा रता, ये वही चीज है जो कृष्णा बताते हैं भगवद गीता में, वेदवादा रता पारता ना अन्य अस्तित्व गामिना। तो वो क्या, ये वो लोग हैं जो ना वेदों की फ्लावरी लैंग्वेज से अटैच हो जाते हैं, वेदों में तो ये दिया हुआ, कई लोग हैं ना बोले कुरान में तो ये दिया, वेदों में तो ये दिया है, बाइबल में तो ये बोला है, करेक्ट। इस तरह के जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं जो करना मटेरियल एंजॉयमेंट ही चाहते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन ही करना चाहते हैं, बट इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ स्क्रिप्चर्स, इस तरह की विद्या को यदि कोई कल्टिवेट कर रहा है, और रता का मतलब इंगेज भी होता है, यहाँ पे इंगेज श्रील प्रभुपाद ने दिया है, रता का एक्चुअल मतलब जो इन दिस कनेक्शन और भी इस तरह से बैठेगा इज दिस, कि वो अटैच हो चुका है उससे, चिपक गया है वहां पे, उसे उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तो किसी भी स्क्रिप्चर में 3 सेक्शन होते हैं, कर्म कांड सेक्शन होता है, ज्ञान कांड सेक्शन होता है, और उपासना कांड सेक्शन होता है, ये हर स्क्रिप्चर में होता है, ठीक है, चाहे आप इवन दूसरे रिलीजन को भी ले लो वहां पर भी, ठीक है, कुरान में भी है और बाइबल में भी है, कर्म कांड ज्ञान कांड उपासना कांड, उपासना कांड बहुत थोड़ा सा होता है, 5%, ठीक है। अब हमारा तो सनातन धर्म का तो वैदिक लिटरेचर का वॉल्यूम इतना ज्यादा है, तो उसमें तो बहुत बड़ा बड़ा दिख जाता है, ये श्रीमद भागवत में इतनी मोटी बुक है, 18,000 श्लोक डेडिकेटेड टू उपासना कांड, ठीक है। लेकिन अगर आप टोटो टोटो में देखें तो वो 5% निकलेगा, ठीक है, परसेंटेज में। तो ऐसे ही कुरान में भी और बाइबल में भी कर्मकांड सेक्शन मिल जाएगा। कर्मकांड सेक्शन क्या होता है, एक ऐसा सेक्शन जिसमें ऐसी विद्या दी गई है जिससे आप सेंस ग्रेटिफिकेशन को एक रेगुलेटेड वे में कर सकते, एक परमिटेड वे में कर सकते, और उसमें ज्ञान दिया जाता है ये अच्छा है ये बुरा है, कि डेफिनेशन दी जाती है कि ये सही है ये गलत है, ये अच्छा है ये बुरा है, इस तरह की डेफिनेशन क्रिएट की जाती हैं, और आपके इंटेलिजेंस को आप उनको पढ़ के ट्रेन करते हो कि ये सही है मेरे लिए सही नहीं, ठीक है, भगवान ये है मुझे कहते हैं, ये मेरे लिए इंस्ट्रक्शंस है, ये मुझे करना है ये मुझे नहीं करना है, गुड बैड राइट रॉन्ग, ठीक है। यही कुरान में भी आता है, अल्लाह ने ये बोल दिया ये बोल दिया, ये अच्छा है ये नहीं बोला, और ये तो हमें मिल नहीं, अल्लाह ने ये मना किया है, वर्जित है हमारे लिए, क्या बोलते हैं लोग, हराम है हमारे लिए, ठीक है, वो लोग ऐसा बोलते हैं, करेक्ट। तो ये डेफिनेशन सेट की जाती है कर्म कांड में, और फिर एक आदमी को उस प्ले में डाल दिया जाता है, प्ले का बटन दबा दिया जाता है, फिर क्या होता है, आदमी इस दुनिया में कर्म करता है इस अच्छे और बुरे के डेफिनेशन के साथ, और ये जो अच्छे और बुरे की जो डेफिनेशन है इसके अनुसार अपना जीवन जीता है। कर्म कांड सेक्शन आपको एनकरेज करता है कि अच्छा करो बुरा मत करो, अच्छा करो और रिवॉर्ड में क्या मिलेगा, रिवॉर्ड में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको प्रेस्क्राइब की जाती है, जैसे आप हमारे वेदों में भी आप जाएंगे तो ये सेक्शन में आप देखेंगे जहाँ पे ये बातें आती हैं कि अगर आपको ये वरदान चाहिए, आपको ये चाहिए वो चाहिए, तो आप ऐसे व्रत कथा करो वैसे व्रत कथा करो, अलग अलग देवताओं की व्रत कथाओं के बारे में बात आती है, ठीक है। तो ये किसके लिए है, मटेरियल बेनिफिट्स के लिए, इनफैक्ट ये तो बेनिफिट ऐसे चीजों के लिए है जो कि आपको आपको वांछित है और आप चाहते हो बिना किसी का, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, कुछ ऐसी वांछाएं भी हैं जिसमें दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाता है, और उनके लिए भी कुछ डार्क
सीक्रेट मैजिकल यू नो तांत्रिक विद्याएं हैं जो कि होती हैं वो किसी और को हार्म करने के लिए। ठीक है, इट इज गुड कि वो चीजें इतनी लैटेंट नहीं है, नहीं तो अगर कोई ढूंढना चाहे तो वो मिल भी जाएंगी उसे। तो इस तरह की विद्याएं भी होती हैं जिसमें यू नो लोग दूसरे को हार्म पहुंचाने के लिए भी चीजें करते हैं। तो अच्छे के लिए और बुरे के लिए दोनों के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको आपकी फ्री विल पे छोड़ दिया जाता है कि आप अच्छा करो या बुरा। मीन्स उत्साहित किया जाता है अच्छा करो, कि अच्छा करो तो इससे आपको ये सारे आपके जो वरदान है फुलफिल हो जाएंगे। और उससे भी ऊपर अगर किसी को उससे भी ऊपर कुछ चाहिए तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ मटेरियल गेन हमारे शास्त्रों में भी उनके अदर अदर रिलीजन के स्क्रिप्चर्स में भी दिया जाता है। और वो क्या है, प्रलोभन दिया जाता है स्वर्ग लोक का, कि स्वर्ग जाओगे इंजॉय करोगे। ठीक है, स्वर्ग जाओगे इंजॉय करोगे, क्या इंजॉय करोगे, स्वर्ग में ये मिलेंगे वो मिलेंगे ऐसा होगा, यू नो ये खाने मिलेगा खूब सारा कितना भी, यू नो इंजॉय करने के लिए ऐसा रहेगा ये रहेगा, भांति भांति की चीजें। ठीक है, वंडरफुल गार्डन्स टू रोम अराउंड, वंडरफुल यू नो हाउसेस टू लिव इन, वंडरफुल अप्लायंसेस टू यू नो मेक योर लाइफ ग्रेट, एंड देन ऑल्सो यू विल ऑल्सो नॉट हैव ओल्ड एज एंड डिजीज देयर। तो ये सारी चीजें जब बता दी जाती है तो आदमी एकदम हो जाता है, हाँ यार ये तो बिल्कुल अच्छी जगह है, वहां जाना है मुझे ऐसा। करेक्ट, सो ये कर्म कांड करते हैं। और इसे आप दूसरे स्क्रिप्चर्स में भी देख लो, उसमें भी जन्नत का वो कुछ ये मिलेंगे, गुर मिलेंगी ये सब का, और गुर तो एक चीज है जो फेमस कर दिया, अदरवाइज उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बताते हैं क्या क्या मिलेगा जन्नत में। उसके अलावा बाइबल में भी ऐसे ईडन गार्डन जाओगे ये सब, तो ये सब चीजें हैं हर हर स्क्रिप्चर्स में है। ये जो कर्म कांड का जो ये सेक्शन है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई रिलीजन्स विल नॉट हैव कॉम्पैटिबिलिटी विद ईच अदर, बिकॉज वो अच्छे और बुरे की जो डेफिनेशन है वो रिलेटिव होती है। किसी रिलीजन में ये चीज अच्छी है, किसी रिलीजन में ये चीज बुरी है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट वहां क्रिएट होते हैं। बट इसको शेप देने के लिए सो कॉल्ड जो साधु लोग होते हैं जो इनसे यू नो प्रेरित हो जाते हैं, इनसे अटैच हो जाते हैं इन कर्म कांड के सेक्शन से, विद्यायाम रताहा, जो इस तरह की विद्या से अटैच, सो कॉल्ड विद्या से अटैच हो जाते हैं, ये लोग फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एंड मास कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाते हैं। ठीक है, इनमें से खैर कुछ लोगों के तो माइंड का ही कंफ्यूजन है कुछ, कि भाई पूरी दुनिया को हमको एक ही रंग में रख देना है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का वो एक इशू है, वो फैनेटिज्म है, और वो और भी ज्यादा डेंजरस है, यू नो एंड यू नो इन दैट परस्यूट दे विल नॉट इवन रिस्पेक्ट अदर पर्सन राइट टू लिव, और ये सब इश्यूज हैं कुछ और रिलीजन के सामने। बट हाँ मोटा मोटी अगर देखा जाए तो इन रीजन्स इन रीजन्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद उसको रिजॉल्व कैसे करें ये सोचने की वजह उसको और ज्यादा गहराई में उसको एंटर करवा दिया जाता है, और ज्यादा होता है ना कांटा चुभा है उसको निकालने की जगह उसको और अंदर डाल दिया। ठीक है, ताकि वो ऐसा घाव बन जाए वहां पे कि वो कभी हील ही ना हो। ठीक है, यही सब चीजें की जाती हैं, और ये बहुत सैड है बट ये है, दिस इज व्हाई दिस इज दिस दीज पीपल आर वर्स्ट एंड दे विल इवन एंटर द डार्केस्ट रीजन, उससे भी डार्क रीजन में जाएंगे। तो ये जो सो कॉल्ड नॉलेज, ये सो कॉल्ड नॉलेज में विद्या विद्यायाम रता में वो भी आ जाता है, सूडो नॉलेज भी आ जाता है। सूडो नॉलेज क्या होता है, सूडो नॉलेज मतलब खुद से मनगढ़ंत फिलोसफी क्रिएट कर दी और उसको लोगों को प्रीच कर दिया। ठीक है, ये भी विद्या उसमें आ जाता है, सो कॉल्ड नॉलेज में आ जाती है नॉलेज विदाउट स्क्रिप्चुरल बेसिस। जैसे आप आजकल बहुत सारा सुनेंगे टिकटॉक में या कहीं पर भी या इंस्टाग्राम रील्स में कि कृष्ण कहते हैं कि यू नो प्रेम चार तरह से किया जाता है, ये सब कहाँ कृष्णा ने कहा है पता नहीं, लेकिन कृष्ण कहते हैं बोल के कुछ भी बोल देंगे। कुछ दिनों पहले किसी ने मुझे भेजा था, उसमें बता रहे कि यू नो कर्मा क्या था कुछ इंट्रीगिंग सा था, कुछ इंग्लिश में बड़े अच्छे अच्छे शब्द यूज करके लिखते हैं, द कर्मा द मोर यू मीट द पीपल ऑफ योर पास्ट, पीपल ऑफ योर पास्ट लाइफ इन दिस लाइफ द मोर यू मीट देम द मोर यू एसोसिएट विद देम द ग्रेटर विल बी द इफेक्ट ऑफ हीलिंग ऑफ योर कर्मा। पहले तो मैंने लगा हीलिंग ऑफ कर्मा क्या है, व्हाट इज दिस हीलिंग ऑफ कर्मा, कर्मा इज सेटल्ड इट इज नॉट हील्ड। ठीक है, कुछ भी हीलिंग ऑफ कर्मा क्या है ये और अपने मन से कुछ भी बोल दिया, भाई स्क्रिप्चर का कुछ बेसिस बताओ ना, कहाँ लिखा है, कौन से उपनिषद में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है, कुछ तो रेफरेंस दो। चलो नहीं रेफरेंस है, कुछ तो उसका असोसिएटिव रेफरेंस होगा, मतलब ठीक है उस तरह से बात नहीं लिखी हो लेकिन उसके जस्टिफिकेशन में किधर से तो कुछ कोट बताओ आप। ऐसे कैसे आप कुछ भी बोल दोगे और कुछ भी कोई मान ले, भाई हमारी टीचिंग आपने देखी है। ठीक है, हम लोग जब भी कुछ कहते हैं तो हम आपको कोट देते हैं ना कि भाई यहाँ पे ये बताया गया, इसके आधार पर हम ये डेरिवेशन निकाल रहे हैं। जैसे जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ इसके पर्पट में अगर आप जाएंगे तो वो सारी चीजें आपको ए टू जेड मिल जाएंगी एज इट इज। ठीक है, इसके पर्पट को आप पढ़ सकते हैं,
जो ये सब है एक्सप्लेनेशन जो शिला प्रभुपाद ने लिखे उनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको इधर कहीं ना कहीं मिल जाएंगी इस समय। ठीक है, तो ये जो लोग हैं जो अपने हिसाब से कुछ चीजें बना लोगों को एजुकेट कर देते हैं उसमें, ठीक है, अपनी रॉन्ग फिलोसफी में, ये लोग भी विल एंटर इन टू दिस काइंड ऑफ कैटेगरी। ठीक है, एंड दे आर इवन डेंजरस देन दोज पीपल हु आर इनोसेंटली यू नो डूइंग मटेरियल एडवांसमेंट। ठीक है, वो व्यक्ति जो मटेरियल एडवांसमेंट कर रहा है वो स्पिरिचुअलिटी से कोई नाता नहीं रखता है, वो अंधकार में जाएगा, वो समझ में आता है और एक बार के लिए वो ठीक लगता है इस कॉन्ट्रास्ट में कि भाई तुम अपने हिसाब से स्पिरिचुअलिटी मत जनरेट करो, अपने अपने हिसाब से स्पिरिचुअल डेफिनेशन मत दो, अपने हिसाब से नई नई फिलोसफी बना के मत दो, क्योंकि तुम्हारे बनाने के हिसाब से नहीं चलती दुनिया। ठीक है, देयर इज वन क्रिएटर। ठीक है, व्हाट इज धर्म, व्हाट इज रियल रिलीजन, वो हमें समझना है। रियल रिलीजन इज स्टेटेड इन हियर इन श्रीमद् भागवत, दिस वर्स टेल्स अस व्हाट इज द धर्मा, व्हाट इज द रियल धर्म ऑफ अ मैन। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये न आत्मा सुप्रसिद्धति। तो यहां पर क्या बता रहे हैं, द सुप्रीम ऑक्यूपेशन दैट मीन्स धर्मा, धर्मा मीन्स ड्यूटी, सुप्रीम ड्यूटी ऑफ होम किसके बारे में बात की जा रही है, फॉर ऑल ह्यूमैनिटी is that by which men can attain to loving devotional service unto the transcendental Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. ठीक है, अब सवई पुंसा परो धर्म, एक एक इंसान का, एक ह्यूमन बीइंग का परो धर्म मतलब सुप्रीम ड्यूटी क्या है, क्या है उसकी सुप्रीम ड्यूटी, यतो भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्षजा भगवान कृष्ण का एक और नाम है अधोक्षजा, अधोक्षजा मीन्स जिसे आप अपने मटेरियल सेंसेस से नहीं समझ सकते, कृष्ण को आप अपने मटेरियल, भगवान श्री कृष्ण को आप अपने मटेरियल सेंसेस से नहीं समझ सकते, इसलिए उनका नाम है अधोक्षजा। ठीक है, तो यह तो भक्ति अधोक्षजे, उस अधोक्षज की भक्ति करना ही हमारा परम धर्म है। पर कोई मुझसे पूछ सकता है काउंटर क्वेश्चन, लेकिन प्रभु जी हमने तो सुना है स्क्रिप्चर्स में अहिंसा परमो धर्म, तो यहाँ तो बता रहे हैं सवई पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे, तो दो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी की चीजें कैसे मिल भाई, उसमें बोल रहे परम धर्म तो यू नो अहिंसा है और यहाँ भी बोल रहे हैं ऐसा है। कुछ स्क्रिप्चर्स में कई बार पर यू नो अहिंसा परमो धर्म जैसा यू नो कुछ कुछ रिलीजन में भी इसको हाईएस्ट प्रिंसिपल लेके चलते हैं, बट पता है ये एक्चुअली हाईएस्ट प्रिंसिपल नहीं है, मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। अहिंसा परमा धर्मा जो है वो हाईएस्ट प्रिंसिपल है इन द सेंस उसी को प्रैक्टिस करके फाइनली आप ह्यूमन बीइंग बनते हैं, एक ह्यूमन बीइंग बनने के प्लेटफॉर्म पे आप आते हैं इफ यू आर प्रैक्टिसिंग अहिंसा। अहिंसा इज नॉट अ प्रिंसिपल, इट इज अ वर्च्यू, वर्च्यू टू कल्टीवेट, कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बट कोई आपको मारने आ रहा है तो अहिंसा नहीं दिखानी है, तो अपने आप को डिफेंड करना है और वहां हिंसा करनी पड़ेगी। सो अहिंसा परमो धर्मा जो है वो एक वर्च्यू है टू प्रैक्टिस, और वो एक जानवर को इंसान बनाती है। ठीक है, नहीं तो हम लोग भी दोपाद पशु ही की तरह तो हैं, हम लोग द्विपाद पशु हैं, हम भी तो जानवर ही हैं एक तरह से, बट हमें इंसान कौन बनाता है, इतनी सोच कि भाई सामने वाले का भी राइट टू लिव है, मुझे उसको परेशान नहीं करना। ठीक है, सामने वाले का भी जीवन है, उसे मुझे जाके नहीं मार देना है। ठीक है, सामने वाला भी भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, ये तो खैर हम फिर यू नो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में चले जाते हैं, बट इंसान की अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट इतनी तो हो, तो इसलिए उसके लिए बोला है अहिंसा परमो धर्मा, क्योंकि जानवरों के लिए रिलीजन नहीं होता है, इंसानों के लिए रिलीजन होता है। ये जो रिलीजन है, व्हाट इज दिस सो कॉल्ड रिलीजन, ये रिफॉर्मेशन का प्रोसेस है, सो दैट यू कैन बी एलिवेटेड टू स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जानवरों के साथ नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जानवर जो है ना फिर वो खाएगा ही दूसरों को, रिलीजन के नाम पे खाएगा, इसलिए जानवर को बोला था भाई तुम मत करो ऐसी चीज, जो जो ह्यूमन बींग्स एनिमलिस्टिक है ना उन लोगों के लिए बोला भाई तुम लोग अहिंसा परमो धर्म को पहले प्रैक्टिस करो, उस वर्च्यू को अपने अंदर घोटो पहले, जब ये घोट के पी लोगे अच्छे से फिर जाके ये प्रैक्टिस कर पाओगे जो यहाँ पे दिया हुआ है, और ये इंसानों के लिए दिया, इसलिए यहाँ पे बोला भी है सवई पुंसाम परो धर्मो, ये उन इंसानों के लिए जो ह्यूमन बीइंग बन चुके हैं उस प्लेटफॉर्म पे हैं, ठीक है, जो ये चीज रियलाइज करते हैं उनके लिए हाईएस्ट ड्यूटी है यह तो भक्तिर अधोक्षजे। तो आप देख रहे हैं दोनों कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं स्टेटमेंट्स, मैंने आपको अभी अभी समझाया, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो वर्च्यू है जो प्रैक्टिस करना है एक इंसान बनने के लिए, बट एक बार इंसान बन गए तो क्या करें, सवाई भक्ति सॉरी यतो भक्तिर अधोक्षजे, भगवान की भक्ति करिए। और ये जो भक्ति है कैसी भक्ति है, ये जो भक्ति जो हम शब्द भक्ति का यूज करते हैं, भक्ति का मतलब होता है डिवोशनल सर्विस, भगवान की सेवा,
कैसे सेवा, लविंग डिवोशनल सर्विस जो कि प्रेम से की जाती है, ठीक है। एक वो वाली सेवा होती है जो पैसे से की जाती है, भाई तुम मुझे 8,000 सैलरी देते हो, मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ, ठीक है। ये वाली सेवा नहीं, प्रेम वाली सेवा जिसके बदले में हम कुछ लेते नहीं है भगवान से, वो वाली सेवा। तो ये तो भक्तिर अधोक्ष जो प्रेम से की जाती है। प्रेम से कौन सी सेवा की जाती है, जब एक रिश्ता नाता होता है उसमें प्रेम होता है, और उसमें वो जो सेवा की जाती है वो बिना किसी पैसे के लेन देन की जाती है। जैसे जब माँ अपने बेटे की सेवा करती है, उसका बच्चा छोटा होता है, एकदम छोटा होता है, उसकी सारी सेवा तो माँ करती है, तो माँ अपने बेटे से कुछ पैसा लेती है क्या? नहीं ना। एक पत्नी अपने पति की जब सेवा करती है तो वो जब सेवा करते थे कुछ पैसा लेती है क्या उस सेवा के अगेंस्ट में? नहीं ना। जब पति अपने बच्चों की और अपनी पत्नी की सेवा करता है तो क्या उनके अगेंस्ट में कुछ सेवा पैसे लेता है उनसे? नहीं ना। ये सारी चीजें तो प्रेम से ही हो रही है ना, प्रेम से ही तो हम एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। उसी तरह से जब हम भगवान की प्रेम से सेवा करते हैं तब उस सेवा का नेचर क्या होना चाहिए वो यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया जाएगा। उस भक्ति का जो नेचर है वो क्या है, क्योंकि सेवा कई बार हम रॉन्ग यू नो रॉन्ग तरीके से भी करते हैं, मतलब रॉन्ग नहीं कहूंगा, मतलब एक डिफरेंट कंटामिनेटेड वे से भी करते हैं, ठीक है। सेवा कई बार हम हेतु के लिए करते हैं, ये हेतु मतलब मेरा कोई तो हेतु है, कोई तो इसमें रीजन है, कंडीशन है जिसके बेसिस पे मैं वो कर रहा हूँ। अहेतु की मतलब इट इज कॉजलेस, इट इज विद नो कॉज, मेरा कोई इसमें हेतु नहीं है, मेरा कोई इसमें कोई प्रयोजन नहीं है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तब मुझे ये मिल जाएगा, इसलिए नहीं हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो कोई कह सकता है कि प्रभु जी आप लोग तो भक्ति कर रहे हैं ना एक तरह से प्रयोजन के लिए, कि आपको तो मोक्ष मिल जाएगा, आपको तो भगवान के धाम जाने मिल जाएगा, करेक्ट। आप पूछेंगे ये बात करेक्ट, लेकिन एक शुद्ध भक्त कभी ऐसा नहीं सोचता। ये है किसी को मोटिवेट करने के लिए, जब ये नए नए भक्ति में लोग आते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, पर एक शुद्ध भक्त हमेशा ये सोचता है कि यदि मुझे भगवान की भक्ति मिले तो स्वर्ग जाऊं, अर्थ पे रहूं, नर्क जाऊं या भगवान के धाम जाऊं, सब बराबर है। तो वो कभी भी भगवान के धाम जाने की चेष्टा उस सेंस में नहीं करता, उसका वो मोटिव नहीं रहता है कि भाई मैं भगवान के धाम जाऊंगा इसके बाद ऐसा, ठीक है, उसका वो मोटिव नहीं रहता। उसका मोटिव ये रहता है वो भगवान से यही चीज मांगता है कि यदि इस धरती पे जन्म लेना भी पड़े तो कृपा करके मुझे अपने भक्त के रूप में दर्शन, अपने भक्त के रूप में मुझे जन्म लेना, और अगर ये भी मैं क्वालिफाई ना कर सकूं तो आपके भक्त के भक्त के भक्त का मुझे दास बना देना, दास दासानुदास, ये एक भक्त की इच्छा होती है। कभी उसकी इच्छा ये नहीं होती कि मैं भगवान के धाम जाऊं सीधा ऐसा, और ये जनरली कनिष्ठ अधिकारियों की ऐसी ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता होती है। लेकिन मध्यमा और उत्तम अधिकारी जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो अपने गुरु की सेवा को प्रथम मानते हैं, क्योंकि वो गुरु ही है जिसने हमें भगवान से मिलाया, उसकी सेवा किए बिना मैं कहाँ जाऊंगा, तो गुरु की सेवा को वो प्रथम मानते हैं। इसीलिए यू नो ये कनिष्ठ अधिकारी की सोच मैंने आपको कल भी बताई थी, वो सीधे भगवान, कोई गुरु नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे भगवान, सब भगवान की कृपा से हो रहा है प्रभु जी, सब भगवान की कृपा, सब भगवान की कृपा ऐसा। लेकिन गुरु नहीं, गुरु का कुछ नहीं, गुरु तो ऐसा नहीं, ये कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ मतलब छोटी सोच, संकीर्ण मानसिकता वाला व्यक्ति है, वो भगवान का भक्त है लेकिन कनिष्ठ है अभी, कनिष्ठ मतलब छोटा है अभी, उसे अकल नहीं है, छोटों का अकल नहीं होती ना जनरली, उसमें अकल ही नहीं है बिल्कुल भी, उसे नहीं पता कि कृष्ण की भक्ति गुरु भक्ति के द्वारा ही की जाती है, गुरु भक्ति से अलग होकर के कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए यदि मैं ऐसा कहूं कि गुरु भक्ति ही सब कुछ है तो गलत नहीं होगा उस सेंस में, बट हाँ इसका मिस यूज होने के कंडीशंस कई बार चांसेस होते हैं, तो हम थोड़ा सा इसको पैरेलल लेके चलते हैं ताकि कोई इसे मिस यूज ना करे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे सो कॉल्ड, और ये भी उसमें आ जाएंगे, ये सो कॉल्ड जो नॉलेज कल्टिवेटर्स हैं, जो फिलोसफर हैं, अपना अपना खुद का कुछ भी मनगढ़ंत कुछ बोल दिया, मैं ही भगवान हूँ ऐसा कुछ ना, तो लोग लग जाओ सेवा में तो इसलिए ऐसे लोग जो हैं इनके लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट है, आप इनको नॉलेज से टैकल कर सकते हो। तो ये जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर नहीं समझ में आता है ये लेक्चर तो 2-3 बार से रिपीट करके करना, क्योंकि मैंने जो बातें कही हैं आपको कोई नहीं कहेगा, जो मैंने आपको बातें बताई हैं बहुत जनरली कोई कोई बताता नहीं इतनी, मैं और गुरु महाराज जो आपको ये सब बातें बताते हैं ये बहुत 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 यू नो तपस्या करने के बाद भी आदमी को नहीं मिलता है ज्ञान, ये हमारे गुरु महाराज की वजह से आज हमारे हृदय में इनलाइटेंड है, और ये हम आपको यू नो इस मार्ग की यू नो इस मार्ग की तरफ हम आपको लेके जा रहे हैं, यू नो हम आपके मार्गदर्शक बने हैं इस तरह, ठीक है। सो जैसे हम अपने गुरु महाराज की सेवा में लगे हैं, हम हमारा कल्याण हो रहा है, आप अपने गुरु महाराज की सेवा करिए आपका कल्याण होगा, ठीक है, बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन। तो ये जो भक्ति है ये होनी है अनमोटिवेटेड विदाउट एनी मोटिवेशन, कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, ठीक है।
और इट इज अनइंटरप्टेड ऑल्सो, इट इज नॉट इंटरप्टेड, मीन्स आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि प्रभु जी मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। नो, दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, एक माँ कभी अपने बच्चे को एक्सक्यूज नहीं देती है कि मैं तेरी सेवा नहीं कर पा रही हूँ, मैं तुझे, मैं तेरा लालन पालन नहीं कर पा रही हूँ, ये सारी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम्स को साइड करके वो बच्चे के ऊपर ध्यान देती है। उसी तरह से प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगी, सब प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, लेकिन हमें उस समय ऐसा नहीं हो जाना है कि अरे प्रॉब्लम आ रही है, चलो 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 भक्ति से कट डाउन कर देते थोड़ा सा, छोड़ो भक्ति अभी, ठीक है बाद में करेंगे, ऐसा नहीं, ये नहीं करना है, डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस, नेवर एवर डू दिस। If you do this, then your bhakti will be spoiled. और obviously वो आप फिर इस क्वालिटी की भक्ति नहीं कर रहे हो जिस क्वालिटी की यहाँ मेंशन की जा रही है, हाईएस्ट ड्यूटी के सेंस में। इट हैज टू बी अहेतुकी एंड अप्रतिहता, इट कैन नॉट बी सेसेटेड, इट कैन नॉट बी सेसेटेड इन द सेंस ऑफ लव। यार अगर आपके अंदर प्रेम भाव है भगवान के प्रति तो आप सेसेट कर ही नहीं पाओगे। एक माँ अपने बेटे से प्यार करती है, एक बेटा अपने माँ बाप से प्यार करता है, वो उनसे सेसेट हो ही नहीं सकता। एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है और पत्नी अगर पति से प्रेम करती है, वो सेसेट हो ही नहीं सकते। उनके बीच में यू नो कितनी भी दूरियां हो लेकिन सेसेशन नहीं आएगा कभी भी रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये बात होती है प्रेम की, होती है ये बात रिलेशनशिप की होती है। हमारा और कृष्णा का तो इटरनल रिलेशनशिप है, ठीक है। तो एज अ सोल मेरी क्या ड्यूटी है भगवान के प्रति, ये ड्यूटी है भगवान की सेवा करना, और ऐसी सेवा करना जो कि अहेतु की हो, उसमें मेरा कोई हेतु नहीं है, मुझे कहीं इधर नहीं जाना है, मुझे बस भगवान की सेवा करनी, क्योंकि वो मेरी ड्यूटी है, वो मेरी सेवा करना मेरा यू नो अधिकार भी है और वो मेरी ड्यूटी भी है, तो मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं और भगवान के पर्पस में हारमोनियसली इन हारमोनी लिव करना, ये हमारा, ये हमारी ड्यूटी है। एज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट सुप्रीम लॉर्ड, इट इज माई ड्यूटी टू डू दैट। अगर मैं वो नहीं कर रहा हूँ और मैं उनके अगेंस्ट जा रहा हूँ, मैं कुछ और कर रहा हूँ, तो फिर वहां पे गड़बड़ है, वहां पे कंटामिनेशन है। और थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के कंटामिनेशन में के वश में आके आदमी करता है ऐसा, है ना, ये होता है, ये बहुत इस मटेरियल वर्ल्ड में ये नेचुरल है, टू गो अगेंस्ट द नेचर, टू गो अगेंस्ट द लॉर्ड, अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड, टू डू सर्टन थिंग्स फॉर आवर लस्ट, टू सेटिस्फाई आवर लस्ट, ग्रीड, एंगर, ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है इस मटेरियल वर्ल्ड में। बट इन्हीं चीजों से वी हैव टू कम आउट। हाउ विल वी कम आउट? बाय डूइंग आवर ड्यूटी, दैट इज दिस, एंड बाय डूइंग दिस वी विल नॉट बी फॉलिंग प्रे इनटू द हैंड्स ऑफ दीज सो कॉल्ड पीपल हु आर कल्टीवेटिंग द सो कॉल्ड नॉलेज, हु देमसेल्व्स विल फर्स्ट ऑफ ऑल गो इनटू द यू नो हेलिश लैंड्स, और हमको भी साथ में लेके जाएंगे। डू नॉट थिंक कि यदि कोई कोई व्यक्ति जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक ये जो टेररिस्ट लोग होते हैं, ठीक है, अपने आप को बम से उड़ा देते हैं, व्हाट इज देयर आइडिया अबाउट दिस, ठीक है, हम उड़ जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमने अल्लाह का काम किया, हम जन्नत जाएंगे, वो जन्नत में इधर नहीं जा रहे, वो नरक जाएंगे, ठीक है, फॉर श्योर 100% विदाउट एनी डाउट, शुड हैव नो डाउट इन योर माइंड, दे आर गोइंग टू हेलिश प्लैनेट्स बिकॉज दे आर वायलेटिंग लॉज, ठीक है। एंड सेकंड, एंड दीज आर द पीपल हु आर दीज सो कॉल्ड यू नो विद्या विद्या विद्यायाम रता, कुछ चीज बोल दिए बस उससे चिपक गए, बस वहां पे अटैच हो गए, वो कब बोली है, किस कैंडिडेट के लिए बोली है, किस सर्कमस्टेंस में बोली है, वो सब सुनना ही नहीं है, वो सब समझना ही नहीं है, ठीक है। और वो बोली भी है कि नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ा पहले तो प्रश्न होता है, ठीक है, आज ज्यादा वही प्रश्न होता है कुछ भी। अब देखो इंस्टाग्राम खोल के देखो, सारी बात, सब लोग भगवान के बारे में कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन सारी चीजें अगर आप देखोगे उसमें से 90% फेक मटीरियल है, फेक स्पिरिचुअल मटीरियल सर्कुलेट हो रहा है, इमिटेशन मटीरियल सर्कुलेट हो रहा है। ओनली 10% मैं कहूंगा कि कुछ ऐसे लोग आज भी हैं जो स्पिरिचुअलिटी के लिए यू नो इस तरह से स्पिरिचुअल नॉलेज डिसमिनेट करने के लिए वो लोग अपने अपनी एक एक सांसें दे रहे हैं इस मिशन के लिए, ऐसे बहुत कम लोग। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर जस्ट मिस यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म एंड यू नो कंफ्यूजिंग पीपल, दैट्स ऑल, ठीक है। सो उनके लिए क्या बताया, अंधा तमा प्रविशंती, क्या ये मटेरियलिस्ट से भी डेंजर है, क्योंकि उस मटेरियलिस्ट एटलीस्ट वो भ्रांति तो नहीं फैला रहा है, नहीं तो ये लोग तो भ्रांति फैला रहे हैं लोग, ठीक है। सो अब यहां से हम आगे चलेंगे नेक्स्ट वर्स पर। अन्याद एवाहुर विद्याया नायत आयुर सॉरी नायत आहुर अविद्याया इति शुश्रुमा धीराणाम येनस्तद्
विजत चक्षरे। दो सॉरी, द वाइज हैव एक्सप्लेन्ड दैट वन रिजल्ट इज डिराइव फ्रॉम द कल्चर ऑफ नॉलेज एंड डिफरेंट रिजल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कल्चर ऑफ नेशंस। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है इसकी। अगर आप मटेरियल एडवांसमेंट की तरफ पूरी तरह अपने आप को झोंक देंगे तो उससे क्या होगा, एक दूसरा रिजल्ट निकलेगा। वो क्या रिजल्ट निकलेगा? वो रिजल्ट ये निकलेगा कि आपके पास नो मटेरियलिस्टिक ऐशो आराम होंगे, और वो रिजल्ट हम आज देख भी रहे हैं। तो इससे ये इस तरह का रिजल्ट आ रहा है, बट इसकी प्रॉब्लम क्या है, यू स्टिल इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कल्चर ऑफ नॉलेज कल्टिवेट करेंगे, मीन्स अगर आप ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उससे एक डिफरेंट तरह का रिजल्ट है। ठीक है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज कल्टिवेट करते हैं लोग, उनका जो डेस्टिनेशन है, उनका जो फाइनल डेस्टिनेशन है, इट विल चेंज, बिकॉज दे हैव कल्टिवेटेड नॉलेज। एंड इट्स नॉट जस्ट कल्टिवेशन नॉलेज, यू हैव टू प्रैक्टिस इट ऑल्सो इन लाइफ। सो कल्टिवेट करने से नहीं होगा, यू हैव टू प्रैक्टिस इट ऑल्सो, बट कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज इज स्टिल बेटर, नहीं करने से तो। ठीक है, सो फिर से द वाइज हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट हैव दे एक्सप्लेन्ड, दैट वन रिजल्ट इज डिराइव फ्रॉम कल्चर ऑफ नॉलेज। अगर आप विद्या एक्सेप्ट करते हो, उससे एक तरह का रिजल्ट निकलेगा, और आप अविद्या प्रैक्टिस करते हो, एंड दैट अ डिफरेंट रिजल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम कल्चर ऑफ नेशंस। अविद्या प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आप दूसरे तरह का रिजल्ट पाओगे। और वो क्या दूसरे तरह का रिजल्ट है, वो यही है कि अंधा तमा प्रविशन थी कि गड्ढे में ही जाओगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म, बिकॉज इट्स अ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। नो, इवन दो यू मे एडवांस दिस मटेरियल वर्ल्ड, जैसे शिला प्रभुपाद वाज नॉट वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ दिस मटेरियल एडवांसमेंट। ठीक है, टुडे वी मे अप्रिशिएट टू सम डिग्री, ठीक है, बट शिला प्रभुपाद वाज नेवर अप्रिशिएटिव। व्हाई? बिकॉज़ ही कुड सी वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स। दिस होल मटेरियल एडवांसमेंट स्पेशली इन डिफेंस सेक्टर, वी आर गोइंग इनटू अ जोन ऑफ टोटली यू नो डेंजरस, इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस जोन वेयर वी आर एंटरिंग। ठीक है, ये सारा जो मिसाइल्स हैं, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं डिफेंस सिस्टम में, डू नॉट थिंक दैट जस्ट गोइंग टू बी लाइक अ शो पीस, दे आर गोइंग टू बी फायर्ड वन डे इन अ मैसिव स्केल इन अ वर्ल्ड वॉर सिचुएशन। ठीक है, वी आर एंटरिंग दैट जोन स्लोली एंड स्टेडली, वी आर ड्रैग्ड इनटू दैट, इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस एंड प्रिकेरियस सिचुएशन। शिला प्रभुपाद यूज्ड टू से, पहले एक आदमी तीर कमान चलाता था, एक आदमी को मारता था एक तीर से, तुम एक मिसाइल बनाते हो 10 आदमी को उड़ा देते हो, 10 क्या 100, 100,000 लोग उड़ा देते हो एक एक साथ। शिला प्रभुपाद बोलते थे कि भाई एक आदमी एक बम बनाया, ठीक है, ये सोच के कि भाई चलो 10 लोगों को उड़ा दूंगा एक साथ, तुमने यू नो एटॉमिक बम बना दिया, उससे तुमने पूरा शहर ही उड़ा दिया, उजाड़ दिया, यू नो, बिकॉज दिस हिरोशिमा नागासाकी थिंग हैपेंड इन शिला प्रभुपाद टाइम, सो ही वाज वेरी सैड अबाउट इट। इज दिस द रिजल्ट ऑफ यू नो कल्टिवेशन ऑफ नेशंस? यस, इट सीम्स सो। इट विल नॉट बी इनअप्रोप्रिएट टू से कि भाई ये चीज है, यू नो, एंड एट व्हाट कॉस्ट वी आर मटेरियल एडवांसिंग। ठीक है, यू गूगल एवरीथिंग, यू आर एंजॉयिंग ऑल दीस थिंग्स, ठीक है, यू हैव नॉट इवन पेड फॉर इट, थिंक अबाउट दिस, यू आर नॉट इवन पेइंग फॉर दिस सर्विस, व्हाट आर वी लूजिंग, थिंक अबाउट दिस, मोस्टली आवर प्राइवेसी, नो, आवर प्राइवेसी इज स्टोलन स्टोलन बाय दीज थिंग्स। हाँ, वो एक बात है कि भाई हमारे पुलिस से चुरा के भी क्या ही कर लोगे, हम तो भगवान के भक्त हैं, तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को अगर फर्क पड़ता हो तो उसके लिए बड़ी बात है। अब मेरी प्रिवेसी चुरा के कोई क्या देख लेगा कि प्रभु जी भजन कर रहे हैं, वो वेरी नाइस हम तो पूरे टाइम लेक्चर लेते हैं, भजन करते हैं, ठीक है, अगर वो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं तो अच्छा ही है, गूगल के किसी सर्वर में हमारी वॉइस यू नो हमारा भजन रिकॉर्डेड रहे, चाहिए वो चीज़, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि भाई एवरीथिंग इज कमिंग फ्री इन दिस टेक्नोलॉजी, व्हेन इट इज फ्री, एनीथिंग व्हिच इज फ्री इन दिस वर्ल्ड यू शुड ऑलवेज हैव डाउट्स अबाउट इट, क्योंकि फ्री में तो एक कुत्ते को हड्डी भी नहीं देता कोई आदमी, ठीक है, तो एक आदमी को फ्री चीजें मिल रही हैं, क्यों मिल रही हैं ये सब? क्या ये तो मैं नॉर्मल चीजें कह रहा हूँ, इवन स्पिरिचुअल भी नहीं है, नॉर्मल चीज व्यवहारिक चीजें समझ में, ठीक है। तो द वाइज हैव एक्सप्लेन दैट वन रिजल्ट इज डिराइव फ्रॉम कल्चर ऑफ नॉलेज एंड दैट अ डिफरेंट रिजल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कल्चर ऑफ नेशंस। अब आपके हाथ में है, आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें भी हालांकि शिला व्यासदेव आगे समझाते भी हैं कि हमें क्या एग्जैक्टली करना है। ठीक है, तो वो बताते हैं, क्या बताते हैं, विद्यायां च विद्यायांश्चयस् तद्वेद्योभ्यं सह अविद्याया मृत्युं तीयत्वा विद्यायामृतम् अश्नुते। ओनली वन हु कैन लर्न प्रोसेस ऑफ नेशंस एंड दैट ऑफ द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज साइड बाय साइड कैन ट्रांसेंड,
सर ये इधर ये आ गया ना, हाँ इसके नीचे करते हैं। कैन ट्रांसेंड द इन्फ्लुएंस ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ एंड एंजॉय द फुल ब्लेसिंग्स ऑफ इमोर्टैलिटी। तो यू आर गेटिंग दिस, क्या हमारा प्रपोजल है? प्रपोजल ये नहीं कि सारा मटेरियलिज्म, सब ये मटेरियल इंजॉयमेंट सब छोड़ दो, सारा एडवांसमेंट बंद करो, बंद कर दो, ताला लगा दो रिसर्च लैब्स में, ताला लगा दो साइंटिस्ट, यू नो साइंटिस्ट को सबको बर्खास्त कर दो। नहीं, ये बात नहीं की जा रही है यहाँ। प्रपोजिशन वो नहीं है, प्रपोजिशन ये है कि यू हैव टू प्रैक्टिस बोथ साइड बाय साइड। क्या है? वी आर नॉट डिनाइंग मटेरियल एडवांसमेंट, वी आर नॉट डिनाइंग दैट मटेरियल एडवांसमेंट इज अ गुड थिंग, इट कम्स फ्रॉम फॉर लाइक इट कम्स बाय प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है, वो हमें समझना होगा। बट द कॉन्स ऑफ दिस मटेरियल एडवांसमेंट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद द गुड विच वी कैन यू नो रिसीव फ्रॉम दिस कल्टिवेशन ऑफ ट्रू ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। If everybody in this world is trained into being a devotee, then what happens? Then there will be no more war. There will be no more, you know, enviousness amongst each other. हालांकि एक आई यू नो यूटोपियन आइडिया, ऐसा जल्दी सब लोग डिवोटी बन जाए ऐसा होता नहीं, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ यू नो वेरी ऑब्वियस ऑब्वियस रीजन, बट एटलीस्ट हम प्रयास तो करें, हम ट्राई तो करें मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इस मैसेज को पहुंचाने का, मैसेज ऑफ भगवद गीता पहुंचाने का हम ट्राई तो करें, प्रयास तो किया जाए इस दिशा में। और व्यक्ति को भी प्रयास करना है कि सिर्फ मटेरियल एडवांसमेंट से, इस प्रोसेस ऑफ निशियंस से कुछ नहीं होने वाला। मोर और लेस हमारी लाइफ, यू नो हमारी लाइफ क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ही होती जाएगी, वर्क इजियर होगा। प्लीज ये आइडिया ध्यान से, मैं नहीं कह रहा हूँ वर्क इजियर नहीं हो रहा है, वर्क इजी हो रहा है लेकिन लाइफ कॉम्प्लेक्स हो रही है, ठीक है। सो ये लाइफ की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है इसका सॉल्यूशन किधर है? तो श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू वेरी वेरी यू नो ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ सेइंग मटेरियल प्रॉब्लम्स का है स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। इफ यू हैव मटेरियल प्रॉब्लम्स यू शुड हैव यू कैन सॉल्व देम बाय ओनली स्पिरिचुअल कल्टीवेशन। व्हाई? बिकॉज़ मोर और लेस ऑल द मटेरियल प्रॉब्लम्स आर कमिंग बिकॉज़ ऑफ द लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज यूज्ड टू से देयर इज नो लैक ऑन इन दिस वर्ल्ड एंड ही वॉज लिविंग इन 19th सेंचुरी, ठीक है। वो व्यक्ति वहां कह रहा है, आज की डेट में वो रहते तो वो देखते क्या क्या हमने कर दिया है, ठीक है, क्या क्या और एडवांसमेंट यहाँ लोगों ने कर दिया मटेरियली, बट उस टाइम पे भी वो कह रहे हैं कि देर इज नो लैकुना। ही सेइंग द लैकुना इज इन द अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल। ओनली लैकुना इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर लोग कृष्णा कॉन्शियस हो जाए, अगर गॉड कॉन्शियस हो जाए प्रॉपरली, प्रॉपरली मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सो कॉल्ड गॉड कॉन्शियसनेस अभी हमने पढ़ा, अभी हमने देखा, सो कॉल्ड गॉड कॉन्शियसनेस का दूसरा प्रॉब्लम है, उससे आदमी फैनेटिक हो जाता है ना, फिर इसको मार दो उसको मार दो ऐसा, क्योंकि हमारे रिलीजन से नहीं मार दो तो, ठीक है, ऐसा ये प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए यू नो दिस ग्रेटनेस ऑफ दिस टीचिंग ऑफ सनातन धर्म, इट इज अनपैरेलल्ड। इफ वी कैन टेक दिस गुडनेस ऑफ सनातन धर्म एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, आई एम श्योर दैट पीपल विल अप्रिशिएट। अगर हम इसे ट्रू सेंस में लेके जाएं, अगर हम उसे भी पोत देंगे ये हिंदुइज्म है लो लो लो, तो फिर वो लोग भी डर जाएंगे, तो हिंदुइज्म है माय गॉड ऐसा। सो ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज टीचिंग्स आर रिक्वायर्ड। यू कांट जस्ट यू नो किसी ने बोला हरा, किसी ने बोला लाल, ठीक है, अब आप व्हाइट को किस रंग में पोतोगे मुझे बताओ? सफेद कलर को किस किस कलर में पोत दोगे आप? वो सफेद है, उसका कोई कलर ही नहीं, लेकिन उसको भी हम कुछ कलर का नाम दे देंगे और उसको भी बोल देंगे सफेद ऐसा। तो दिस टीचिंग्स आर इम्पोर्टेंट। द रिलीजन, द कल्चर, इट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज नॉट द कल्चर। हमारे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा एक यू नो वेव चल रहा है कल्चरल, यू नो वी शुड प्रिजर्व आवर कल्चर कल्चर कल्चर। वो कल्चर को प्रिजर्व करके कुछ नहीं होगा, ज्ञान को यू नो प्रिजर्व करो, ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है इसको प्रिजर्व करो। वो कल्चर को ठीक है, कल्चर को भी करो उसमें कोई इशू नहीं, बट कल्चर से ज्यादा प्रधानता इसकी है, तो इस पे फोकस होना चाहिए लोगों को, क्योंकि वे ऑफ लाइफ से क्या डिफरेंस आने वाला है? एक आदमी एक यू नो औरत बुर्का पहने साड़ी पहने क्या फर्क है उसमें? कोई फर्क नहीं है, पहनना तो कपड़ा ही तो है वो, ठीक है, लेकिन अगर टीचिंग्स फॉलो की जा रही है सनातन धर्म की, प्रॉपर टीचिंग्स फॉलो की जा रही है, तो किसी भी कपड़े में करो क्या फर्क पड़ता है? नो आप टोपी लगा के करो, आप नेताजी वाली टोपी लगा के करो, आप पगड़ी बांध के करो, किसी भी फॉर्म में करो, लेकिन अगर ये टीचिंग्स फॉलो आप कर रहे हो इरिस्पेक्टिव ऑफ सो कॉल्ड रिलीजन्स, देन यू आर सक्सेसफुल इन लाइफ।
देन यू हैव अटेन समथिंग, अदरवाइज इट्स अ वेस्ट। फिर वही है, यू नो, सो कॉल्ड रिलीजन के नाम पे एक दूसरे को मारते रहो, एक दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट करते रहो, और फिर गिर जाओ उतने अहिंसा परमो धर्म वाले लेवल पे, गिर जाओ एनिमलिस्टिक बन जाओ, ताकि उसको फिर वो बोलना पड़े, व्हाई डिड लॉर्ड बुद्धा सेट अहिंसा परमो धर्मा, क्यों, व्हाई डिड महावीर हैड टू से इन जैनिज्म ऑल दीस थिंग्स, व्हाई, बिकॉज़ पीपल वर एनिमलिस्टिक इन द नेम ऑफ वेदास, इन आवर कंट्री आई एम सेइंग, इन द नेम ऑफ वेदास दे वर स्लॉटरिंग एनिमल लेफ्ट एंड राइट, ये तो वेदों में दिया हुआ है, तो लगा बलि बलि बलि, उसमें भी कहीं गांव में कुछ कुछ तो ऐसे डार्क लोग थे जो इवन नर बलि चीजें प्रैक्टिस भी करते थे, ये तो ऑल दीज थिंग्स एनिमलिस्टिक, दिस इज एनिमलिस्टिक, सो फॉर देम टू से कि अभी हम लोग रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, हम लोग कोई रिलीजन नहीं, फॉरगेट इट, यू फर्स्ट कम टू दिस प्लेटफॉर्म, तो अहिंसा परमो धर्म हमको दिया गया था, बट फॉर दोज हु हैव इवॉल्व, दोज हु आर आर्यंस, दोज हु आर स्पिरिचुअली लिटिल अवेयर, आई नॉट से इवन एडवांस बट अवेयर, दे फॉर देम सवई पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे, फॉर देम That is the form of religion we must follow. That is, but what is religion? Religion, there is no religion actually. These are all faiths. मुझे इस पे फेथ है, उस पे फेथ है, मुझे ये तरीका पसंद है, वो तरीका पसंद है, कोई भी तरीका फॉलो करो, बट रिलीजन टीचिंग्स क्या फॉलो करनी है वो ध्यान रखना है, टीचिंग्स अगर हमने ये फॉलो की वो रिलीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अनफॉर्चुनेटली ये जो विद्यायाम रथा लोग हैं ये लोग उसको होने नहीं देते, प्रॉब्लम पता है उन्हीं लोगों की, जो क्लैरिक्स लोग है ना, इन लोगों की प्रॉब्लम है, इधर भी अटैच है उधर भी अटैच है, हर जगह अटैच है, ठीक है, अपने अपने स्क्रिप्चर्स को लेकर ऐसे अटैच होके बैठे हैं, कोई अच्छी टीचिंग देगा तो उसको लेने के लिए नहीं, नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, हमारे इसमें तो नहीं दिया हुआ है, हमारा अलग है ऐसा क्यों भाई, जब साइंस में किसी को देता हूँ तो कोई ये बोलता है कि नहीं नहीं ये तो हमारा साइंस अलग है तुम्हारा साइंस अलग है, साइंस तो सबके लिए इक्वल है ना, लॉ ऑफ नेचर तो सबके लिए इक्वल है ना, तो हमारी ड्यूटीज अलग अलग कैसे हो सकती है, थिंक अबाउट दिस ना, ड्यूटीज टूवर्ड गॉड इज टू सर्व हिम, ठीक है, सो ये जो हमने गुड एंड बैड की जो रिलेटिव डेफिनेशंस बना के इसमें हम लोग लड़ते रहते हैं, आई डू नॉट नो ये कभी हम इससे बाहर आएंगे, भी कलयुग है तो कोई यू नो कोई इससे एमडे से कोई वो भी नहीं है, होप भी नहीं है, बट एटलीस्ट पीपल लाइक यू आर हु अंडरस्टैंड दीज टीचिंग्स मस्ट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है, एंड एंड प्रैक्टिस दीज थिंग्स इन योर लाइफ, यू हैव हर्ड इट, यू आर लर्निंग इट, नाउ इट इज टाइम टू प्रैक्टिस, ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है और ट्रू सेंस में प्रैक्टिस करना है, अगर किसी चीज को हमें रॉन्ग सेंस में प्रैक्टिस करते हैं तो उसके गलत रिजल्ट निकल जाते हैं, जैसे अहिंसा परमो धर्म, लोग क्या करते हैं कोई भी मारने आ रहा है तो हाँ कोई बात नहीं, इस गल पे मार दिया इस गल पे मार दो, वाह वेरी गुड, ये क्या फिलोसफी है, वो भूत बना दिया तुम्हारा, ठीक है, सो समबडी कम्स एंड हर्ट यू अननेसेसरली, यू कांट प्रैक्टिस अहिंसा परमो धर्म देयर, अहिंसा परमो धर्म इज अ वर्च्यू टू प्रैक्टिस, इट्स नॉट अ प्रिंसिपल टू प्रैक्टिस, क्या, तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ है, हम जो सुनते हैं क्या फॉलो करते हैं, इसलिए इसलिए जरूरी है एक स्पिरिचुअल यू नो व्यक्ति आपकी लाइफ में जो आपको गाइड कर सके, दिस इज वेयर द नीड ऑफ गुरु इज देयर, इसलिए आप पढ़ तो लोगे स्क्रिप्चर, तो लोग सोचते हैं हम स्क्रिप्चर पढ़ लेंगे तो हम लोग ज्ञानी हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि तो उस ज्ञान को गलत अप्लाई करते ही आपकी जान चली जाएगी उसके चक्कर में इसलिए गुरु की रिक्वायरमेंट है जो बता सके उसका रियल मतलब क्या है, यू नो, और आप लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि आप यू नो स्वामी महाराज के आप टच में हैं और उनके उनके आप यू नो डिसाइपल उसमें आप हैं, और मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज यू नो एज सून एज पॉसिबल यू नो ये सारी नॉलेज गो थ्रू देम, इतने सारे लेक्चर्स हैं ना हमारे भागवत में, गो थ्रू देम, ट्राई टू चैंट हरे कृष्णा महामंत्र डेली, बिकॉज दैट इज युग धर्मा इन दिस कलयुग, ना यू हैव हर्ड मेनी टाइम्स फ्रॉम गुरु महाराज ऑल्सो, सो हमें चैंटिंग करना है, दिस इज अवर राइट नाउ, दिस इज अवर यू नो दैट इज हाउ वी डू सेवा फॉर कृष्णा, जैसे यहाँ तो बता दिया सभी पुंसाम परो धर्मा ये तो भक्ति है दक्ष जी, बट वो भक्ति कैसे करें, तो उसके उसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल ऑफ भक्ति राइट नाउ इन कलियुगा, द बेस्ट वे टू सर्व कृष्णा इन इन कलियुगा इज टू चैंट हिज नेम, सर्व हिम बाय चैंटिंग हिम, दैट इज द फर्स्ट थिंग, ये यू नो घर में डीटीज रखना, उनकी सेवा करना, दीज थिंग्स आर सेकेंडरी, चैंटिंग कम्स फर्स्ट, इफ यू हैव टाइम After chanting, you still have time. Read books, attend lectures. If you still have time, then comes the deity worship at home. Otherwise, do not do them. Otherwise, better to listen lectures and chant the whole life. That is what is important. Because cultivating knowledge
एंड देन प्रैक्टिसिंग दोज नॉलेज इन लाइफ, चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र डेली, फॉलोइंग द फोर एडल प्रिंसिपल्स, दीज आर द फाउंडेशनल थिंग्स वी नीड टू डू। अगर ये नहीं हो रहा है हमारे ढंग से, हम वो विग्रह सेवा करके कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे, हम कनिष्ठ अधिकारी ही बन के रहेंगे कि मैं और मेरा भगवान बस। तो कनिष्ठ अधिकारी किधर नहीं जा रहा है, अंडरस्टैंड, ठीक है, वो भगवान के धाम में नहीं जा रहा, जब तक वो उत्तम लेवल पे नहीं आएगा, एटलीस्ट मध्यम लेवल पे नहीं आएगा, तब तक वो नहीं, वो किधर नहीं जा रहा है, ठीक है। और दूसरा कि कृष्ण कृपा कम्स फ्रॉम गुरु कृपा, हमेशा ध्यान रखें, गुरु की जिस पे कृपा हो गई, कृष्ण की उस पर कृपा होनी ही होनी है, ठीक है। इसलिए गुरु को सेटिस्फाई करने की कोशिश करिए इस लाइफ में, कृष्णा को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे तो असमर्थ अपने आप को आप पाएंगे, लेकिन गुरु की आप सेवा करना चाहेंगे, गुरु को प्लीज करना आसान है, इट इज वेरी इजी टू प्लीज अ प्योर डिवोटी, उसको प्लीज करना आसान है, उसको आपने प्लीज कर दिया, कृष्णा भी प्लीज हो गए, 100% प्लीज हो गए। बट कृष्णा को प्लीज करना चाहेंगे तो वो तो अनंत है, वो तो इतना यू नो अनलिमिटेड है, उसको कैसे प्लीज करेंगे आप। बट हाँ, उनको भी प्लीज कर सकते हैं, वो तो हमारी थोड़ी भक्ति से भी प्लीज है, थोड़े से प्यार से, प्यार से आपने थोड़ा भी ऑफर किया, कृष्णा एक्सेप्ट, नो कृष्णा इज अ वेरी गुड बॉय। द थिंग इज कि या इन दिस लाइफ वी डू नॉट नो हाउ टू अप्रोच कृष्णा विथ प्योरिटी, वी डू नॉट हैव दैट कैपेसिटी, सो वी गो टू आवर गुरु महाराज, वी प्रे टू हिम। गुरु की ऑल्टर रहती है, ऑल्टर में फोटो रहती है, वो इसलिए नहीं कि गुरु को हम वर्शिप कर रहे हैं, वर्शिप नहीं हो रही है, हम उनके थ्रू कृष्णा की वर्शिप होंगे। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी लोगों में नहीं होती कई बार, और लोग पता नहीं क्या समझते हैं। आचार्य उपासना का मतलब क्या है, आचार्य की उपासना करना किस चीज के लिए, टू प्लीज कृष्णा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम आचार्य की उपासना करेंगे, तुम ही सबसे बड़े हो, तुम ही, ये जो हमारा ये जो आजकल का अंडरस्टैंडिंग रहता है कि तुम ही सब कुछ हो, तुम ही हो माता, तो ये सब चीजें करना है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये सब चीजें जबरदस्ती बनाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु जो है वो भगवान का सेवक है, गुरु ब्रह्मा सेवा नहीं है, गुरु विष्णु गुरु महेश्वर है, क्यों ये सब चीजें क्यों। गुरु इज सेवक ऑफ कृष्णा, गुरु इज प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, दैट इज अ गुरु। इफ ही इज नॉट ए प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, ही डज नॉट क्वालिफाई टू बिकम अ गुरु। अवैष्णव गुरु न सस्यात्, अगर वो अवैष्णव है तो वो गुरु नहीं हो सकता है, उसको गुरु मत बनाना अगर कोई अवैष्णव आदमी है, क्योंकि उससे क्या होगा, वो भी आपको गड्ढे में लेके जाएगा, ठीक है, अंधेरे में लेके जाएगा, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे हम फिनिश करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, नेक्स्ट सेशन और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब हम और भी कॉन्ट्रोवर्शियल लेवल पे जाएंगे, क्योंकि इसके आगे हम यू नो बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, इंक्लूडिंग डेमी गॉड वर्शिप, और इस बारे में कई बार हमें लोग गलत समझ लेते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत अच्छे सेशन लूंगा, समझाऊंगा आपको किस तरह से इसको लेना है, डेमी गॉड वर्शिप किस तरह से लेना, ठीक है। यहाँ पे हम फिनिश करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आते हैं दिल्ली हमें सुनते हैं, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा।